जाट समाज के माध्यम से संपूर्ण समाज का एक अग्रणी समाज सुधार कार्यक्रम की मुहिम की इस बैठक में पधारे हुए जो जड़ों के लेवल पर मुख्य काम करने वाले हमारे बुज़ुर्ग साहिबान, युवा साथियों, आप लोगों ने ये मुहिम चलाई है। ये मुहिम समाज के विकास के लिए और देश के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी मुहिम है। मेरा इसमें यह है कि हमारा सबसे पहला यहाँ जो टारगेट है वो टारगेट है भाई मृत्यु भोज बंद करना। और इसका प्रैक्टिकल तरीका, देखो थ्योरी एक अलग होती है, प्रैक्टिकल एक अलग होता है। थ्योरी को अगर प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे तो क्या मतलब हुआ? कैसा बिजली कैसे पैदा होती है कि इस तरीके से है ना, जनरेटर के अंदर पानी का जो डैम बना होता है वो पाइप से उस जनरेटर पर जाता है और वो जनरेटर घूमता है और बिजली पैदा होती है। तो जब जनरेटर बनाएंगे, डैम बनाएंगे, उस पानी का प्रवाह करेंगे तभी तो बिजली पैदा होगी। तो हमने ये तो बना दिया कि मृत्यु भोज बंद करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? मेरे दिमाग में जो तरीका है वो ये है, जिसको मैंने शुरुआत में भी कह दिया। अभी मैं मेरे ससुराल गया था तो माँ से भी मिल के आया, तो माँ को हमने कहा, माँ मैं घोषणा कर दी टोंक के अंदर, सभी भाइयों ने सब ने पूछ परो और मृत्यु भोज नहीं करने को, खर्चो हम तो इज नहीं करनो। तो कह मैं तो लोगा नहीं कहूँ कि मारे जीवती जीवती मारी तो काम करूँ तो धर्मपूर्ण हाथों ही कर लूँ, वो ही मारे काम आई मरिया ने फसे मारे कहीं काम नहीं आई। आ बात मैंने पूछी मेरे से जो बड़े भाई साहब हैं, रिटायर्ड मैनेजर साहब है, कि बहने तुम पूछियो? मैं कि बिल्कुल पूछियो। मैंने भी पूछियो, बैंक टाबरा ने भी पूछियो, जिका इंग्लैंड है जिका ने भी पूछियो, अटे है जिका ने भी पूछियो, सब ने पूछ लियो और सब क्यों। बादशाह ने उस दिन कहा, वैसे सारे बादशाह उन बादशाहों को चुनिए जो इन जैसे हो, जो स्वतः ही कहने वाले हो, फिर दूसरे वो बादशाह जो थोड़ी सी बात करने से मानने वाले हो। एक इस तरह का आप बिना स्टाम्प का शपथ पत्र फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में टाइप करवा लीजिए कि मैं ये एक तो इच्छा कि मेरी विरासती है, इच्छा कि मेरी विरासत का रीति रिवाज है वो इस तरीके से हो, उस तरह के कोई भी मृत्यु भोज नहीं हो, मेरे जाने के बाद में कोई रोवे भी नहीं। अब बुजुर्ग है ना, बादशाह 80 साल 90 साल का और जा रहा है, लारे मैं बैठो हूँ, रोऊँ नहीं रोना चाहिए। इसको हमें वैज्ञानिक तरीके से मानना है कि आया है वो जाएगा। हाँ, बादशाह ने मेरे को अच्छी शिक्षा दी, पढ़ाया, वो मैं इनकी उनके लिए शुक्र अदा करूं कि उनकी अच्छी नीति के कारण हम लोग आज सुखी हैं। वो पल जो परिवार के लिए कठिन थे, उस वक्त उन्होंने ऐसा रास्ता अपना करके और परिवार को बचाया, आगे बढ़ाया, ये है श्रद्धांजलि है ना। आया जी का ने सब ने बढ़िया भोजन कराणो, जीवन जिमाणो, ये श्रद्धांजलि नहीं है। तो एक तो वो एक वश्यतीय इच्छा के रूप में एक प्रारूप तो उस बुज़ुर्ग का, और मेरे ख्याल से 70 साल से ऊपर वाले से इस तरह से लिखवाना कोई भी अनहोना नहीं लगेगा। मैं भी 60 साल का होने जा रहा हूँ, मुझे भी अब कोई यूँ अटपटा नहीं लग रहा है कि मेरे मरने के बाद की कोई भी बात मेरे से लिखवावे। हम 50 साल को मोटियार वे नई नई पनी जी उड़ावे जिका कौन लिखा हुआ जाएगा तो अब सुकून वे कहीं बासा जी को 70 साल हो गयो उन लोगों को आप चुनो। यदि हमने हमारा टारगेट आप सभी जाट महानुभावों से ये है कि यदि हमने जो 70 साल से ज़्यादा उम्र दराज का जो वर्ग है हमारा सीनियर सिटीजनरी का, उनसे इस तरह की चीज़ लिखवाएं, उनका बिल्कुल कलेक्शन करें, संग्रहण करें, ग्रामवार, पंचायतवार, तहसीलवार और ज़िलेवार, आप ये चीज़ें एक 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 साइंटिफिक तरीके से हो जाएगी, फिर उनके साथ उन्हीं के संतानों का, उनके पुत्र पुत्रियों में से कि हमारे पिताजी की यही इच्छा है और हमारी भी यही इच्छा है, हम इस चीज़ को हजारों साल से जो चलता आ रहा है इसके अंदर हम किसी के भी ऋणी नहीं हैं। कई बार ये होता है ना, आप कहते हो कि मैंने तो आपको जिमा दिया, तू नहीं जिमा, अरे पहले किसने जमाया था ये किसी को पता नहीं है ना, ये अंडा और मुर्गी वाला मामला है, इसका कोई भी तय नहीं कर सकता कि पहले किसने जिमाया। इसलिए इसको बिल्कुल फुल स्टॉप करना है, कोई भी ऋण लेकर के दूसरे को नहीं जिमाने का है ना, ऊपर ओढ़वा लेकर के कोई भी पाप का भागी नहीं होगा। इस तरीके से इन चीज़ों को समाहित करते हुए तो इसमें 70 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्ग और नौजवान, उन लोगों के नौजवान 70 साल से ज़्यादा के सारे नौजवान
ये तो कि हम आयोजन नहीं करेंगे, आयोजन नहीं करवाएंगे, और बाकी क्यों कहा कि हम किसी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। अब इसके लिए आप लोग के साथ साथ ग्राम लेवल पर भी आपके दो दो पांच पांच कार्यकर्ता होने चाहिए, और बिल्कुल बिना रेबर, बिना नेता के, बिना मांझी के। वो उस दिन हुई थी तो मेरा नहीं आया, अरे यार ये बहुत छोटी चीज़ है। मैं तो ये कह रहा हूँ जाट का इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि मेरे को, मैं पांच बार एमएलए रह गया और मुझे मंत्री नहीं बनाया, तो भी होना चाहिए कि क्या हो गया, ये बन गया तो क्या हो गया, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बहुत छोटा लगता है। जाट इतना छोटा है, अरे जाट तो है ना, जय भगवान जाट बलवान के नारे पर तो थोड़ी गर्दन कटा लेता है। अरे एक अखबार में नाम के लिए, और दूसरा एक बार निकलने के बाद में रुकते और नहीं, रुकिए रुकिए विचार करिए। मेरे दिमाग में कोई गलत राय आ गई, गलत दिमाग में आ गई, तो मैं उसको अगर रोक लेता हूँ तो उसका सुधार हो जाता है, और उस डांडी ने मैं ठोके ही जाऊँ गलत। इसलिए इस चीज़ को आप रखिए और प्रेम रखिए, तो सभी रेबर हैं, सभी मांझी हैं, है ना, और इसमें कुछ कर गुजरेंगे। आप लोगों का ये जो उत्साह है, आप लोगों की जो भावना है, इतने लोग बहुत होते हैं, इतने लोग भले काम के लिए बहुत होते हैं, क्योंकि हम वो काम करने जा रहे हैं जो हर आदमी चाहता है। मैं चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता, कोई ना कोई किसी न किसी तरह, जब मैं अब थोड़ा सा खुल गया, मुँह फट हो गया, इसलिए है ना, कोई मेरे मैंने घोषणा कर दी तो किसी की हिम्मत नहीं कि नहीं थे तो करो ही, लेकिन हर आदमी इतना मुँह फट नहीं होता है, कोई कह देता है तो दब जाता है। तो इस उन लोगों को सहारा देने के लिए ये माहौल ये करना ज़रूरी है। गांव के अंदर आपके लोग होने चाहिए, हर गांव के अंदर पांच पांच चार चार लोग, और उनका सिलेक्शन भी थोड़ा सा है ना, उस गांव के लोग जैसा। मेरे गांव का सिलेक्शन के लिए मैं सलाह दे सकता हूँ कि ये भले लोग हैं, ये इस तरीके से किशन जी आपके दे सकते हैं, बा अपने गांव का दे सकते हैं, ऐसे पांच पांच उनका भी आप एक लिस्टिंग करो, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनसे लिस्टिंग करो, उनके साथ में अपन जुड़ें, है ना, उनसे वहाँ पर कभी जाएं तो उनसे बातचीत करें, और इस तरह का अगर अपना चल जाएं तो फिर राज्य स्तर में जो अच्छे इस तरह से डेडिकेटेड लोग हुए हैं, जैसे वो अशोक जी हैं, उन्होंने ऐसा रिटायर्ड मतलब नौकरी छोड़ी, उन्होंने आईएएस अलाइड की, और कोई गांव नहीं छोड़ा उन्होंने, नागौर ज़िले का कोई गांव और ढाणी नहीं छोड़ी उन्होंने, इतना उसके लिए जूझे वो, और सादगीपूर्ण जीवन जिया। वो आईएएस रिटायर्ड की नौकरी इस्तीफा दे करके कोचिंग क्लास में खुद पढ़ा करके और अपना लेवलीहुड है उसको किया। तो हम कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी डेथ हो जाती है उस डेथ पर भी वहाँ के लोकल लोगों से इंटरेक्शन करो। उस परिवार से तो अपन सीधा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे परिवार में डेथ हो गई है तो मेरे अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग हैं उनसे इंटरेक्शन करो कि यार इसको बचाओ।